दोस्तों, फोर्टीवाइन में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही टेस्टी आलू और अंडे से बने रेसिपी शेयर करूंगी। इस तरीके से आप एक बार बना के जरूर देखिएगा। रोटी पराठे के साथ खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है और इसे बनाने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो रेसिपी देखिए, पसंद आए तो लाइक कमेंट के साथ दोस्तों में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल में अगर आप नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए रेसिपी शुरू करते हैं और आज के लाइक का गोल रखते हैं 1000। तो आज की रेसिपी के लिए मैंने लिया यहाँ पे 4 उबले हुए अंडे और यहाँ पे मैंने लिया है 3 मीडियम साइज के आलू को पील करने के बाद ऐसे टुकड़ों में काट लिया है। आलू और अंडे आप अपने ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो सबसे पहले हम अंडे को स्लाइस में काट लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमें टुकड़ा कर लेना है, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं करेंगे। और इसी तरीके से हम चारों अंडे को टुकड़ों में काट लेंगे। देखिए, तो अंडे को मैंने काट लिया है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम पैन में डालेंगे 3 चम्मच तेल और तेल को हम पहले गरम कर लेंगे। तेल जब गर्म हो जाए हम डालेंगे 1 चम्मच कलौंजी। कलौंजी को हम हल्का फ्राई कर लेंगे। कलौंजी जैसे ही फ्राई हो जाए हम डालेंगे यहाँ पे 1 बड़े साइज के प्याज को पतले स्लाइस में काट के। गैस का फ्लेम हम हाई करेंगे और हाई फ्लेम में प्याज को पहले हम 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। हरी मिर्च बीज में से चीरा लगा के डाल देंगे। प्याज को 2 मिनट के लिए मैंने फ्राई कर लिया है। और डालेंगे यहाँ पे हम कटे हुए आलू। आलू और प्याज को हम 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे। तब तक आलू और प्याज अच्छे से हमारा फ्राई हो जाएगा। तो गैस का फ्लेम मीडियम करेंगे हम और बीच बीच में चलाते हुए हमें फ्राई करना है। आलू और प्याज का कलर हल्का चेंज हो गया है, आप देख सकते हो। अब हम डालेंगे यहाँ पे पहले ड्राई मसाले। वन फोर्थ चम्मच हम डालेंगे यहाँ पे जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच से कम हम डालेंगे यहाँ पे कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और नमक डालेंगे हम स्वादानुसार। 30 सेकेंड के लिए और भूनेंगे हम। मसाले डालने के बाद 30 सेकेंड के लिए भून लिया है। अब हम डालेंगे यहाँ पे 1 मीडियम साइज के टमाटर को पतले स्लाइस में काट के। एक बार हम मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल हम लो पे करके ढक देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तब तक आलू हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। तो पहले हम मिक्स कर लेते हैं। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे रखना है और 3 से 4 मिनट हम ढक के पकाएंगे, लेकिन बीच में खोल के आप 1 से 2 बार चेक भी करते रहिएगा जिससे सब्जी नीचे ना जले। 3 से 4 मिनट हो गया है, आलू हमारा सॉफ्ट हो चुका है। अब हम डाल देंगे यहाँ पे अंडे। डालेंगे हम थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। थोड़ा सा डालेंगे हम गरम मसाला, बिल्कुल थोड़ा सा। एक बार हम मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो पे करके फिर से ढक देंगे 2 मिनट के लिए। इस तरीके से आप एक बार बना के ज़रूर देखिएगा। रोटी पराठे के साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और इसे बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 मिनट के अंदर बनके तैयार हो जाता है। बस 2 मिनट के लिए हम फिर से ढक देंगे।
गैस का फ्लेम लो रखना है। 2 मिनट हो गए, मैंने बीच में खोल के एक बार स्पैचुला से चला लिया था। हमारे बहुत ही टेस्टी आलू अंडे की सब्जी बनके तैयार है। हम इसे सर्व कर लेंगे एक प्लेट में। तो गैस का फ्लेम हम बंद कर देते हैं और आप देख सकते हो ये देख के कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। ये रोटी पराठे के साथ खाने में आपको उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो हम इसे सर्व कर लेते हैं एक प्लेट में। तो फ्रेंड्स, ये सिंपल रेसिपी को आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएंगी। तो इसे बनाइए, खाइए, फिर मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट के साथ दोस्तों में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल में अगर आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।